नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। वोकेशनल कोर्स में इस दिन से ले दाखिला, मनीष कश्यप फर्जी वीडियो मामले में हुए बड़ी। बालूघाट की नीलामी मिलते ही 5 दिनों में 25% राशि होगी जमा। पटना जंक्शन पर भूल कर भी ना करे ये काम, भारतीय कोच बनने की रेस में ये नाम सबसे आगे। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग का ऑफिशियल एक्स अकाउंट हैक होने के बाद हुआ रिकवर। बिहार के साइबर अपराधियों ने शिक्षा विभाग के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को हैक कर लिया और उसके बाद उन्होंने कवर इमेज और प्रोफाइल इमेज का नाम भी बदल डाला और उसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अकाउंट हैकिंग के इस मामले को आईटी विशेषज्ञ ने ठीक कर लिया है और इसके बाद विशेषज्ञ साइबर अपराधियों की पहचान करने में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार 5 साल पहले भी शिक्षा विभाग के अकाउंट को हैक किया गया था और इस बार साइबर अपराधियों के द्वारा प्राइवेट कंपनी का प्रमोशन किया जा रहा था। इस कारण शिक्षा विभाग को फॉलो करने वाले लोग परेशान दिखे। वोकेशनल कोर्स में इस दिन से ले दाखिला, बिहार विश्वविद्यालय के वोकेशनल कोर्स में नामांकन लेने का विद्यार्थियों के पास मौका है। 15 मई से बिहार विश्वविद्यालय के कॉलेजों में सेल्फ फाइनेंस मोड में संचालित होने वाले वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी। आपको बता दें कि इससे संबंधित कॉलेजों और विभागों में छात्र छात्राएं नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसे लेकर विश्वविद्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। नामांकन की आखिरी तारीख 20 जून को तय किया गया। सभी कॉलेज तय अवधि में प्राप्त हुए आवेदन का विवरण 24 जून तक विश्वविद्यालय स्थित CCDC कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। मनीष कश्यप फर्जी वीडियो मामले में हुए बरी। मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो मामले में बरी कर दिया गया है। उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में सबूतों की कमी की वजह से इन्हें बरी किया गया है। मालूम हो कि हाल ही में मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पटना के सिविल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मनीष कश्यप समेत 2 लोगों को बरी किया है। फर्जी वीडियो को लेकर आर्थिक अपराध इकाई EOU ने केस दर्ज किया था और इस मामले में मनीष कश्यप करीब 9 महीनों तक जेल में रहे थे। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक दोहरी सुरंग हुई तैयार। राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक पटना रेल की दोहरी सुरंग तैयार की जा चुकी है। सुरंग की खुदाई कर रही दूसरी टनल बोरिंग मशीन TBM-2 ने सफलतापूर्वक अपने काम को पूरा कर लिया है। जानकारी के अनुसार TBM-2 ने इस सुरंग की खुदाई करने में करीब 10 महीने का समय लिया। 20 मार्च को पहली सुरंग का काम पूरा हो गया था और इसके बाद अब दोहरी सुरंग तैयार हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक ये पटना मेट्रो के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब मेट्रो के आने और जाने के लिए दोहरी सुरंग की खुदाई पूरी हो गई है। बालूघाट की नीलामी मिलते ही 5 दिनों में 25% राशि होगी जमा। विभाग के आदेश के अनुसार नीलामी के बाद स्वीकृति आदेश प्राप्त करने और इकरारनामा करने में जानबूझकर अनावश्यक विलंब किया जाता है। समस्या से मुक्ति के लिए प्लान तैयार किया गया है। विभाग ने प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित की है। आदेश के अनुसार नीलामी होने के बाद बोली लगाने वाले सफल डाक वक्ता को उच्चतम बोली का 25% पैसा 5 दिनों के अंदर विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा। बालूघाटों को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। विलंब से निपटने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग सख्त हो चुका है। पटना जंक्शन पर भूलकर भी ना करें ये काम। पटना जंक्शन पर भूलकर भी कुछ कामों को नहीं किया जा सकता है। पूर्व मध्य रेलवे ने स्टेशनों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। आजकल जैसे ही कोई यात्री स्टेशन पर गंदगी फेंकता है वैसे ही कैमरे में वो कैद हो जाता है। इस कारण रेल कर्मियों की टीम उनके पास पहुंच जाती है। पिछले महीने पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग स्टेशनों पर गंदगी फैलाते हुए 522 यात्रियों को पकड़ा गया और उनसे 1,05,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। आपको बता दें कि रेल अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि आगे भी इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर बालू माफियाओं ने किया हमला। बिहार के अरवल जिले में वंशी थाना क्षेत्र के मालीघाट से अवैध बालू खनन के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। यहां पर पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और इसके बाद इस मामले में बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। इन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव और फायरिंग भी की है। इस घटना की वजह से कई पुलिस कर्मियों को मामूली चोट आई है। पुलिस ने ट्रैक्टर के मालिक सहित 3 लोगों पर नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। थानाध्यक्ष की ओर से जानकारी दी गई है कि जल्द ही बालू खनन माफिया को गिरफ्तार किया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी का नहीं हो रहा वेतन भुगतान। राजभवन और शिक्षा विभाग में तनातनी कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुलपति और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा विश्वविद्यालयों के खाते पर रोक हटा दी गई है और इसके बाद भी विभाग से फंड नहीं मिलने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों और कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। राजभवन ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन के साथ ही सेवानिवृत्त अध्यापकों कर्मियों को पेंशन भुगतान में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लिया और कुलपतियों और कुल सचिवों से रिपोर्ट मांगी है। खुशी अपहरण कांड की जांच में जुटी सीबीआई। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के पमरिया टोला से 3 साल पहले गायब हुई 5 साल की खुशी का सुराग अब तक नहीं मिल सका है। सीबीआई को अब तक इस मामले में सफलता नहीं मिल सकी है और इसके बाद अब सीबीआई ने अस्पतालों में बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया है। स्कूलों के नामांकन पंजीयों में खुशी जैसे दिखने वाली बच्चियों की जाँच में सफलता नहीं मिलने के बाद अब सीबीआई ने अस्पतालों में जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र भेजा और उसमें विभाग को अपने सभी अस्पतालों को खुशी के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया है। काराकाट से पवन सिंह की मां भी लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने काराकाट की लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और उसके बाद उनकी मां भी चुनावी रण में उतर चुकी है। पावर स्टार की मां प्रतिमा देवी ने पवन सिंह के कहने पर ही ये कदम उठाया है और इसके साथ ही ये चीजें साफ हो चुकी है कि पवन सिंह अपने चुनाव लड़ने का फैसला वापस नहीं लेंगे। चर्चा ये भी हो रही है कि पवन सिंह के नामांकन रद्द होने की आशंका पर उनकी मां ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि 16 मई को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे पटना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंच रहे हैं। वो कल 5वें चरण के चुनाव के लिए सीतामढ़ी और मधुबनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होना है। इसमें सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में चुनाव होगा। इन 5 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री आज शाम को पटना पहुंचेंगे। अमित शाह राजधानी के होटल मौर्या में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद अगले दिन सीतामढ़ी और मधुबनी में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए राजद के दरवाजे खुले होने के दिए संकेत। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजद और इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हो रहने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि चाचा जी का शरीर एनडीए के साथ है लेकिन उनका दिल और मन यहीं पर है। महागठबंधन के साथ सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार ने जनवरी में दूसरी बार भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी कर ली थी और राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 5 मई को कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घर आ जाएंगे तो वो धन्यवाद करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने अभी ये भी कहा है कि चाचा जी का आशीर्वाद उनके साथ है। भाजपा नेता मनोज तिवारी के खिलाफ पटना में परिवाद दायर। भोजपुरी सुपरस्टार भाजपा से सांसद मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनोज तिवारी की एक टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ पटना के सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है और इसके साथ ही उक्त परिवाद पर सुनवाई के लिए एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ट्रांसफर किया गया है। सीजीएम की अदालत में अधिवक्ता राम संदेश राय और मनी लाल ने दलील दी है और इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने कहा है कि मनोज तिवारी एक जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर है। उनके द्वारा ऐसी टिप्पणी करना सभ्य और लोकतांत्रिक समाज को स्वीकार नहीं है। जन सुराज अभियान के दल बनने पर प्रशांत किशोर ने दिया बयान। जन सुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बयान दिया और कहा है कि आज टीवी पर राजनीतिक दलों के नेता बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी आकांक्षाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों पर जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान देना नहीं चाहता। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वह कोई दल या मोर्चा बनाएंगे तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा क्योंकि कोई दूसरा नहीं बचेगा। अगर जन सुराज दल बनता है तो आप देखिएगा कि एक ही दल बचेगा, इसके अलावा कोई दल नहीं बचेगा। लोगों को एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। भारतीय कोच बनने की रेस में ये नाम सबसे आगे। बीसीसीआई अब नए कोच की तलाश में जुट गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 विश्व कप के बाद समाप्त होने जा रहा है। भारतीय मुख्य कोच राहुल द्रविड़ अगर अपने पद के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख और भारत के पूर्व महान बल्लेबाज VVS लक्ष्मण इस पद पर उनकी जगह लेने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प हो सकते हैं। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने टेस्ट और सीमित ओवरों के क्रिकेट के लिए अलग अलग कोच रखने की संभावना से इनकार कर दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उनके जवाब बताएंगे जो बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, अमीर शेख मिशाल
अल अहमद अल सबा ने किस देश की संसद को भंग कर दिया है? कुवैत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या सीरिया? सही जवाब है कुवैत। नेपाल के किस मशहूर पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का नया रिकॉर्ड अपने नाम हासिल किया है? रिया थापा, कामी रीता शेरपा, शालू थापा या मनीष शेरपा? सही जवाब है कामी रीता शेरपा। हाल ही में किसने अपने सहयोगी देश चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन ICUBEQ लॉन्च किया है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? सही जवाब है पाकिस्तान। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा या अमित चौधरी? सही जवाब है राजनाथ सिंह। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्याम रजक, श्याम निखिल, श्याम कुमार या श्याम शर्मा? सही जवाब है श्याम निखिल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश कुमार, वेद प्रकाश सिंह, राकेश मिश्रा, पवन सिंह, जितेंद्र सिंह, मोहम्मद शकीर हुसैन, सादुल्ला पालवी, जितेंद्र ठाकुर, संजीत कुमार सुमन, उपेंद्र कुमार, कृतिका राज, शिवदयाल सिंह। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है आपके अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के अगले मुख्य कोच कौन होने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।